नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मनोहर मलिक जी। मलिक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद कोमल। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो चमचा राजनीति चल रही है या फिर चापलूसी राजनीति जिसे कहते हैं, इसमें क्या नैतिकता बची है? कोमल, नैतिकता तो हमारे राजनीति के अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हर चीज़ को अपने फायदे के लिए या अपनी पार्टी के फायदे के लिए कोई नियम बनाएंगे, उसी के मुताबिक चलेंगे। देश की जनता के भलाई को देखते हुए, उसके हितों को देखते हुए ये ना तो कोई नियम बनाते हैं ना कोई कायदे बनाते हैं। अब ये जो चापलूसी की राजनीति आप कह रहे हैं, बिल्कुल यही चल रहा है। 72 साल से लगातार ये चल रहा है और इसको आगे आगे और बढ़ावा मिल रहा है। कम होने की बजाय ये और बढ़ती जा रही है। अभी आप देखिए, ये अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं दो प्रदेशों के, हरियाणा और महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, वो काफ़ी यानी कि 18-19 दिन हो गए हैं वहाँ पर सरकार नहीं बन पाई है अभी तक, और उन्होंने जिस दिन अपना रिजाइन किया, इस्तीफा जिस दिन दिया है, उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है शिवसेना के बारे में कि देखिए, जिनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, जिनको ये गालियाँ देते थे चुनाव के दौरान, अपने प्रचार के दौरान, आज उन्हीं के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, तो इनकी नैतिकता कहाँ चली गई? ये महाराष्ट्र का अभी जो आउटगोइंग मुख्यमंत्री है उसका सवाल था। मैं उसी से सवाल करना चाहूँगा कोमल कि हरियाणा में तुमने क्या किया है? हरियाणा में भी तो यही किया है, जो यहाँ चौटाला के बेटे को जो बनाया है वहाँ पर इन्होंने उप मुख्यमंत्री, उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई है, तो वो भी तो आपस में दुश्मनी के तौर पर लड़े थे, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है, और जब जरूरत पड़ गई, गरज होगी तो उनको बुला लिया और उनके साथ मिल गए, तो कहाँ वहाँ नैतिकता कहाँ रही? और ये इससे भी गंभीर बात और है कोमल, चलिए ये तो कोई बात नहीं, फिर भी एक गोपाल कांडा नाम का आदमी आपने सुना होगा, बहुत ही खतरनाक केस उसके ऊपर चल रहे हैं। एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी उसके अनर्थों के, अन्यायों की वजह से, उसका भी समर्थन ले रहे थे ये। बताओ कहाँ इनकी नैतिकता बची? ये दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, अरे खुद तो इस्तेमाल करो भाई उनको। यानी अगर वो तो चलो इनके पास ऑप्शन आ गया, जब ये पूरे जितने आज़ाद उम्मीदवार जीते थे हरियाणा में उनके सबके साथ के साथ का ये समर्थन ले रहे थे, उसमें गोपाल कांडा का भी नाम था, और गोपाल कांडा को इनकी एक महिला सांसद उसको हवाई जहाज में बिठा के लाई है, हेलीकॉप्टर में बिठा के लाई है, दिखाई दिया हमने देखा उसको खुद लेके आ रही है वो समर्थन लेने के लिए, तब उसका चरित्र दिखाई नहीं दिया। जब लोगों ने सवाल खड़ा किया इसके ऊपर कि तुम किसका साथ ले रहे हो, इन्हीं के पार्टी के बीच में विरोध हुआ, तब उसको छोड़ दिया, तब इन्होंने ये चौटाला के बेटे को, दुष्यंत चौटाला को ले लिया साथ में। वरना अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ये पार्टी इसके साथ नहीं आती, तो गोपाल कांडा सरकार का हिस्सा होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या चरित्र है इन लोगों का, क्या नैतिकता, कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? नैतिकता तो पूरी राजनीति में 72 साल में भी हमको कहीं दिखाई नहीं दी है कोमल, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, पिछला 5 साल पूरा किया इन्होंने और फिर बैठे हैं, इन्होंने तो नैतिकता नाम के ऊपर ही सवालिया निशान लगा दिया। मतलब शर्म आने लगी हमें इनकी नैतिकता देख देख करके, तो ये तो इतने हर स्टेट में ऐसा करते हैं, यानी इनके फायदे का जो तरीका होगा ये उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, नियम से कोई लेना देना नहीं है। गोवा में इन्होंने सरकार बनाई जबकि बड़ी पार्टी नहीं थी, बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, कांग्रेस को नहीं बनाने दिया, खुद बनाया। कर्नाटका में इनकी बड़ी पार्टी थी, इन्होंने खुद वहाँ बनाना चाहा, वहाँ कांग्रेस को नहीं बनाने दिया, वहाँ खुद बनाना चाहा, जबकि इनके पास नंबर नहीं थे, इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, और फिर इन्होंने ज़बरदस्ती बनाई और वो गिर गई सरकार, और उसके बाद कांग्रेस की और JDS की मिलीजुली सरकार बनी थी। आप सबको पता है, पूरे देशवासियों को पता है क्या किया इन्होंने उन्हीं के MLA खरीदे हैं, खरीद करके और उनको तोड़ करके और फिर सरकार बना ली है। अब वो MLA तो सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन उनको क्या, उनको भी अच्छा खासा माल मिल गया। तो ये बहुत दुख की बात है कोमल, राजनीति में बिल्कुल नैतिकता नाम की चीज़ नहीं रही है, पार्टियों में भी नहीं है, और जो इंडिविजुअल आ रहे हैं नेता वो भी अपने आप को बेचने के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त बिकने के लिए तैयार रहते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको जनता के सामने, क्या ऐसे उम्मीदवारों को, तो बल्कि जनता को सबक सिखाना चाहिए जो ऐसा करता है, वोट लेके जीत के और फिर वहाँ अपने आप को बेचने के लिए पेश कर देता है, उसको जनता को जूते मारने चाहिए, उसको दोबारा कभी हल्के के अंदर उसको घुसने नहीं देना चाहिए, और चुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बहुत दुख की बात है। यानी जो लोग देश को चला रहे हैं,
राजनीति, राज की नीति जो देश को चला रहे हैं, देश की पूरी जनता का वेलफेयर उन्हीं के हाथों में है, उनकी इसी इतनी गंदी हालत है, इतनी गंदी हालत तो गिरे से गिरा हुआ व्यक्ति भी नहीं करेगा जितने ये करते हैं। अपने आप को बिल्कुल पढ़ा लिखा बताते हैं, ऊपर नेता भी शब्द लगाते हैं, पता नहीं कहाँ से लाए ये शब्द निकाल के। नेता क्या चीज़ होता है, क्या नेता होता है गोपाल? नेता थोड़ी होता है। अरे तुम्हें चुनकर भेजा हमने हमारी सेवा करने के लिए, हमारे काम करने के लिए, हमारा नौकर बना के बैठा है, तुम नेता क्या हो गया है? तो वहाँ VIP बन के बैठ जाते। बहुत दुख है, बहुत दुख है। ये नैतिकता नाम की चीज़ राजनीति में नहीं रही है, और ये ऐसे ही रहा तो आगे आगे नतीजे और ख़राब होंगे, बहुत गंभीर हालात होंगे। तो ये जनता को बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि चुन के उसी को भेजें जिसका चरित्र सही है, जो ईमानदार है। ये आदमी को तो देखते नहीं है, किसी एक आदमी का नाम चल गया उसी का नाम देख करके इनको अपने MLA MP को, MLA MP जनता एक्चुअली ना, हमारी जनता भी क्या करती है कोमल, हमारी जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनती है या डायरेक्ट मुख्यमंत्री चुनती है, गलत है। प्रधानमंत्री मत चुनो तुम भाई, तुम MP चुनो जिसने तुम्हारे लिए काम करना है, वो MP मिलकर फिर प्रधानमंत्री चुनेंगे। नहीं, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनते हैं, यही दुखद है। जो इनके हल्के का है उसका करेक्टर देखते नहीं, और फिर बाद में रोते हैं, पछताते हैं, क्योंकि इनके यहाँ काम प्रधानमंत्री थोड़ी आगे करने के लिए, वो MP या MLA करेगा। तो MLA और MP को हम ईमानदार को चुन के भेजेंगे तो हमारे सारे काम होंगे। प्रधानमंत्री कोई भी बने उससे क्या लेना देना है, जनता को तो उसके MLA या MP से ही लेना देना। तो ये नैतिकता नाम की कोई चीज़ राजनीति में बची नहीं है कोमल, बहुत दुख है, और इसको तुरंत जनता को ही सुधारना होगा। ये लोग नहीं सुधरेंगे, जनता को सख्ती से इनके साथ पेश आना होगा और इसका सुधार करना पड़ेगा। जय हिंद। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।